तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मेही दाना। ये देखिए इस तरह बारीक बारीक सी गोल गोल सी बूंदी मोती जैसा बनाया जाता है मेही दाना में, तो ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। ये बंगाली की फेमस डिश है, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये हम आज बना के तैयार करेंगे। हमें कमेंट में आया था कि ये हमें मेही दाना रेसिपी बताइए। चलो फिर देखते हैं कि मेही दाना रेसिपी कैसे बनता है। तो दोस्तों मैं हूँ राज हलवाई, राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो मेही दाना रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमने बारीक बेसन लिया है जो चने का पेवर बेसन है, और इस तरह हम 2 कप ऐड करेंगे। ये वेट में हमारा 300 ग्राम है। तो इसमें हम केसर कलर का बनाएंगे मेही दाना, इसलिए हमने केसर कलर ऐड किया है। और 1 कप पानी हमने यहाँ ऐड किया, फिर हम 2 कप पानी ले लिया। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका हम गाढ़ा बैटर पहले तैयार करेंगे। ये बिस्क से अच्छी तरह इसको फेंटना होता है, इसमें डरी बिल्कुल ना रह जाए, तब हमारे बैटर बिल्कुल सही बनते हैं। तो इस तरह हम डरी ख़त्म कर देते हैं, इसको गाढ़ा ही फेंटना होता है। जब गाढ़ा हम फेंटते हैं तो इसकी डरी ख़त्म हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा पतला कर देंगे, क्योंकि जो मेही दाना की बूंदी बनती है 0 नंबर पोने से बनती है, इसलिए बैटर को हमें पतला करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको हम पतला बैटर बना लेंगे। जितनी ही बारीक बूंदी बनानी होती है उतना बेसन को हमें पतला रखना पड़ता है। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हम पतला बैटर बनाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कितना पतला हमारा बैटर है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पतला बैटर हो गया है। हम आपको अभी आगे और दिखाएंगे कितना पतला बैटर है। अब यहाँ हमने ऑयल और घी दोनों मिक्स गर्म करने के लिए रखा है। बारीक बारीक मोती जैसा बूंदी हम बना के तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने ऑयल और घी दोनों गर्म होने के लिए रखा है। और यहाँ हमने ईंटे पे कपड़ा बांध के रख दिया है, जिसपे अपना हम पोना पटकेंगे तो हमारी गोल गोल सी बूंदी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, ये हमारा पहले बैटर देख लीजिए, बिल्कुल पतला रखना पड़ता है। हम आपको पोना भी दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल पतला बैटर है। इस पर हम बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम बैटर पहले पतला तैयार कर लेंगे। अब हम आपको पोना दिखाते हैं। ये देखिए, ये 0 नंबर का होता है, जिससे हम मोती चूर के लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह ये देखिए, इस तरह हम ईंटे के ऊपर हम पटकते हैं, तो ये गोल गोल सी बूंदी हमारे ऑयल में गिर के और फ्राई हो जाता है। और यहाँ ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम थोड़ी हाई फ्लेम पे होनी चाहिए, तब हमारी बूंदी तुरंत बन जाती है। बूंदी बनाने के लिए हमें गैस का फ्लेम हाई रखना पड़ता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये हमारी बूंदी फ्राई होती है, तब ये गोल गोल सी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए, इस तरह हमने 1 बैच तैयार किया है। अभी हम और तैयार करेंगे, 2-3 बैचेस में इतना बेसन हम तैयार करेंगे। और ये देखिए, ये पूरी बारीक बारीक सी गोल सी बूंदी हमारी बन के तैयार होती है। इसको अच्छी तरह पका लेते हैं, तब ये हमारी टेस्टी बूंदी बन के तैयार होती है। ये पूरी कड़ाकी हो जाती है, तब इसको हम छाननी में निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने छाननी रखा है, जिससे फालतू ऑयल और घी बीच में निचुड़ जाता है। तो इस तरह हम गोल गोल सी बूंदी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, ये पूरी 1 बैच बनी है। अब हम 2-3 बैचेस में सारी बूंदी बना के तैयार करेंगे। अभी हम 1 बैच आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह ये गोल गोल सी बूंदी तैयार होती है। तो हम 2रा बैच भी इसी तरह करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम झाड़ते जाएंगे, पोना पटकते रहते हैं, और गैस का फ्लेम मेरा हाई होता है, तो इस तरह की गोल गोल सी बूंदी हमारी बनती जाती है। ये देखिए, यहाँ हमने ईंटे के ऊपर कपड़ा बांध के रख दिया है। आप कोई डब्बा है वो भी रख सकते हो, कोई डोलना है वो भी रख के इस तरह आप ठोकुआ बना सकते हो। तो इसके ऊपर आप ठोकते जाइए और इस तरह कढ़ाई में बूंदी गोल गोल सी गिरती जाती है। तो इस तरह की आप मेही दाना रेसिपी बना सकते हो। ये देखिए, ये बूंदी बिल्कुल गोल गोल सी है। इसको अच्छी तरह पका लेना पड़ता है, एक एक बूंदी हमारी अच्छी तरह पक जाए, तब हमारी चाशनी जो है अब्जॉर्ब करती है। हम इसको चाशनी भी लगाएंगे। जब बूंदी हमारी अच्छी तरह पक जाती है, तो इस तरह हम छाननी में डालते जाते हैं, जिससे फालतू ऑयल घी निचुड़ जाता है। तो इस तरह हम सारे बैटर की बूंदी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह गोल गोल सी बूंदी हमारी बन के तैयार है। इसको हाथों से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी गोल गोल सी है, अंदर से पकी हुई है। अगर आपको हम इसको मसल के दिखाएं, तो ये पूरी कुरकुरी बन के तैयार है।
तो बस इसी तरह हम दूसरा बैच भी बना लेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम हाई से हमारा चल रहा है, इस तरह हम बेसन पतली धार करके डालते जाते हैं और ये गोल गोल सी बूंदी हमारी गिरती जाती है। तो इस तरह की बूंदी आप आसानी से बना सकते हो। तो हमारी बूंदी तैयार हो गई है, अब हम चाशनी बनाएंगे। यहाँ हमने एक कढ़ाही रखा है, अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। इस कढ़ाही में हम 2 कप शुगर ऐड करेंगे। ये बेट में 400 ग्राम शुगर है, इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, मतलब हम 250 ml इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। ये चाशनी जैसे हम रसगुल्ला और गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उसी तरह हमारी बनके तैयार होगी। ये देखिए मुलायम सी चाशनी होती है, इसमें कोई तार नहीं होता है। इसकी मैल जब आ जाती है तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद में हम इसमें बूंदी डाल देंगे। ये देखिए उबाला आ गया, अब इसमें हम बूंदी डाल देते हैं। ये देखिए इसकी चाशनी हम आपको दिखाते हैं, ये बस कोई तार नहीं होता, बस हल्की सी चिप चिप करती है, इसमें तार नहीं होता है। अगर तार वाली पे बनाओगे तो ये सूख जाएगी, ये गिल्ली सी होनी चाहिए और दाना दाना सा अलग होना चाहिए। इस तरह हमारा मेही दाना होता है। साथ में हम इलायची का पाउडर इसमें टेस्ट के लिए डाल देंगे। अब ये देखिए हमारी गोल गोल सी बारीक बूंदी इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट बना देंगे, मुलायम सी बना देंगे। उसके बाद में ठंडा होने के बाद ये दाना दाना सा अलग हो जाती है। तो इस तरह ये देखिए चाशनी हम लगा देंगे, इस तरह थोड़ी देर हम इसको उबाला दे देते हैं जिससे चाशनी हमारी बारीक बारीक बूंदी में भर जाती है और इस तरह हमारा बूंदी बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए इस बूंदी को मेही दाना बूंदी भी कहते हैं। तो इस तरह ये देखिए हमने उबाला दे दिया, अब ये थोड़ी देर पड़े रहने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए इस तरह हम उबाला दे दिया तो एक एक बूंदी में हमारी चाशनी भर जाती है और चाशनी इसमें तार वाली नहीं होती कि जम जाए। इसमें चाशनी रसगुल्ले गुलाब जामुन की तरह होती है, जब हम बूंदी खाते हैं तो मुंह में हमारे निकलती है चाशनी, तो इस तरह की चाशनी होती है। यहाँ हमने 1 चम्मच ग्लूकोज लिक्विड ऐड किया है, इससे ये होता है कि पूरी बूंदी हमारी चमकती रहती है और चाशनी भी कभी जमती नहीं है। तो इस तरह की हमारी चाशनी होती है जिसमें हमारा ग्लूकोज लिक्विड मिक्स हो जाता है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो इस तरह आप मेही दाना रेसिपी आसानी से बना सकते हो। एक एक दाना बारीक ये अलग अलग हो जाती है। ये देखिए इस तरह हम चाशनी में उबाला दे दिए हैं, अब थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं इसको अलग अलग हम निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ हमने उबाला देकर गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, उसके बाद हम 15 मिनट के बाद ये दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह हमारी चाशनी सारी बीच में बूंदी के भर चुकी है, एक एक बूंदी अच्छी तरह ये फूल गई है और ये देखिए एक एक दाना सा अलग हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में भी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह हमारा मेही दाना रेसिपी बन के कम्प्लीट है। इसको आप मोतीचूर के लड्डू भी बना सकते हैं। वैसे ये बारीक दनीक दाने चम्मच से खाने से ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारी बंगाली डिश है, इस तरह आप चाहे लड्डू बनाइए चाहे मेही दाना रेसिपी इस तरह आप प्लेट में रखिए और अपना सर्व कीजिए। इस मेही दाना रेसिपी को गरम गरम ही सर्व किया जाता है जिससे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। और इस रेसिपी को देखिए, ये देखिए बिल्कुल बारीक झारने से या पोने से बनाया जाता है। तो इस तरह आप चाहे अपने शॉप पे भी बना सकते हो या अपने घर में भी आसानी से बना सकते हो। तो बस मेही दाना कंप्लीट है, आप हमारे चैनल पे जाइए तो और भी रेसिपी का आनंद लीजिए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।